ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन का सुनहरा सफर, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। In her favour in that third and final round, and that was her round, that final round. The final minute of it was where she took it away from her opponent, so she is a gold medalist, and you can just see from the celebrations, I love the celebrations when the tears are coming there, but it was a good performance, really good performance, and India get their first gold at this World Championships. विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली महिला मुक्केबाज निकहत जरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकहत, आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, और आपसे गोल्ड मेडल बाउट के बारे में शुरुआत में जानना चाहेंगे कि जब आप स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिंग में उतरी तो क्या कुछ चल रहा था जहन में, और क्या कुछ तैयारी थी ओपोनेंट बॉक्सर को लेकर? जी हाँ, मेरी फाइनल बाउट थाईलैंड की लड़की के साथ थी, और उस लड़की को मैंने पहले 2019 में भी हराया था, बट उस लड़की ने टोक्यो ओलंपिक्स भी खेला था और क्वार्टर फाइनल में हारी थी वो, तो उस हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस थी कि पता नहीं कैसे खेला जाएगा रिंग में। अब तक मैं सारी बाउट 5-0 से जीतते आई हूँ, और अगर फाइनल में कुछ कमी रह जाएगी तो फिर मुझे बुरा लगेगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड नहीं जीत पाई करके, इसीलिए मेरा बस एक ही टारगेट था कि रिंग में अपना 100% देना है, मतलब अगर थकने से भी अपने आप को और पुश करना है कि नहीं निकहत अभी नहीं थकना, बस और थोड़ी जान लगा दे तो जीत जाएगी करके मैं अपने आप को पुश कर रही थी रिंग में, और जब मेरा हाथ उठा एज ए विनर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुर्की में ही आपने जूनियर लेवल पर भी पदक जीता था, उसको 11 साल का समय हो गया, और वापस तुर्की में ही आपने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इतने सालों के सफर को कैसे देखती हैं आप? जी हाँ, 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था, और उसके बाद मैंने अभी 2022 में गोल्ड जीता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ही कंट्री में मैंने दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आऊं। निकहत, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमारे साथ मुख्य मुक्केबाजी कोच भास्कर भट्ट जुड़ गए हैं। भास्कर जी, पूरा देश फाइनल बाउट लाइव देख रहा था, हमने देखा कि दो राउंड के बीच में जो ब्रेक था उसमें आप निकहत को बहुत कुछ बता रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी? अगर आप पहले राउंड का अगर आप स्कोर देखेंगे तो हम 5-0 से जीत रहे थे, बहुत अच्छा खेल रही थी निकहत, और उसके बाद दूसरी अपोनेंट होती है वो भी कुछ सोच के आती है कि पहले वाला राउंड इन्होंने ऐसा खेला है तो हमें ऐसा खेलना है, तो हमारा जो मकसद था निकहत के साथ उसकी जो कॉम्बिनेशन थे उन कॉम्बिनेशन को बेहतरीन इस्तेमाल करना, और उनसे यही कहा गया था कि आपने इसी तरह से काउंटर अटैक करने के बाद रिकाउंटर जरूर करना है। तो सेकेंड राउंड में दूसरी मुक्केबाज हावी रही, जिसका वजह से हमारा जो दूसरे राउंड का स्कोर था हम 3-2 से पीछे हो गए थे, लेकिन उसके बाद निकहत से ये कहा गया कि बेटा आज आप इस जगह पर हैं कि अपने आप को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए, जो अंदर आपके क्वालिटी है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि यह अब राउंड आपने किसी भी हालत में जीतना है, और आप देखेंगे तो पूरा थर्ड राउंड पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, अपने अपोनेंट को किसी भी एंगल से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और थर्ड राउंड भी हम 5-0 से जीते। ये तो थी फाइनल बाउट की कहानी। बहुत संघर्ष भरा आपका सफर रहा है निकहत, आपके घर वाले सभी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, आपकी माताजी कबड्डी की खिलाड़ी रही, आपके पिता फुटबॉल और क्रिकेट से जुड़े रहे, आप जिस समुदाय से आती हैं वहां लड़कियों के लिए बाहर निकलना और खासकर मुक्केबाजी को स्पोर्ट्स के रूप में सिलेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्या कुछ उस दौर में चल रहा था, आपके आस पड़ोस के लोगों के क्या विचार थे और उन सबका सामना कैसे किया आपने? स्टार्टिंग में बहुत हार्ड चीज देखे थे मैंने, मतलब जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी लोग यही कहते थे कि बॉक्सिंग क्यों, दूसरा गेम कोई क्यों नहीं चुना, बट मेरे पापा ने हमेशा से मुझे एक ही चीज कही है कि बेटा लोग तो कहते रहेंगे, तुम अपना फोकस बस ने गेम पे लगाओ, और जिस दिन तुम गोल्ड मेडल जीतोगी अपने देश के लिए कई लोग आएंगे तुम्हारे साथ फोटो खींचने के लिए, तो बस उस दिन से मैंने अपना पूरा फोकस अपने गेम पे रखा। निकहत, आपके पिता मोहम्मद जमील अहमद ने भी माना कि शुरुआती दौर में राह बेहद मुश्किल थी,
लेकिन देश के लिए कुछ करने के जज्बे ने ही उन्हें प्रेरित किया। आइए पहले उन्हें सुन लेते हैं। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहने के नाते ये मेरे से पॉसिबल हो चुका है, और कई लोग का अपना अपना ओपिनियन होता है कि जो सारे आप मुस्लिम्स के हैं, आप बच्ची को ओपनली ड्रेस कोड रहता है, ऐसी चीजें रहते हैं जो लोग कमेंट करते हैं। लेकिन हम मैं एज ए स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं ये सबके कॉमेंट्स ऐसे ही कान से सुनता था, कान से निकाल देता। जो हमें जो करना है वो करके बताया हूँ। मैं अपने देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए खेलना चाहता, बच्ची को एक डेडिकेशन दे के एक लेवल से उनको इंस्पायर किया कि ओलंपिक खेलना है और ओलंपिक में मेडल मारना है। वो इंस्पिरेशन है, और जो टाइम आ गया और आज हम करके भी बता दी लड़की ने। उनका जो डेडिकेशन, उनका इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी बात है। ये तो थी आपके पिता की बात। आपकी माँ परवीन सुल्ताना को बिल्कुल मन ही नहीं था कि आप मुक्केबाज बने, लेकिन आपके समर्पण और मेहनत के सामने वो भी तैयार हो गई। आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। पहली बार बॉक्सिंग किया था तो थोड़ा डर हुआ, क्योंकि वो लड़की का गेम नहीं है ना। निखत ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए गए थे तो उसमें सब बॉयज ही थे, तो उनके फादर को पूछे कि क्यों इसमें लड़कियां नहीं है। बता नहीं, अपने पास लड़कियां उतना हिम्मत नहीं लगा सकती, नहीं खेल सकती। बता नहीं पापा, मैं खेलना चाहती, मेरे को बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है। बोला तो ओके, जस्ट बच्ची का भी ऐसा टाइम पास के लिए बोलते ना, बच्चे हट करे तो कर रहे होगे, चलो एक महीना एक हफ्ता वन वीक ऐसा खेल के बंद कर देती होंगी, मारा लगे तो डर के छोड़ देते ना। स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस करके आए तो ये उनका आईब्रो ग्लव से कभी कभी मारने में फट जाता है ना, तो ऐसा पूरा फट गया, तो वो देख के मैं इतना ये हो गई, अब खेलना ही नहीं है बॉक्सिंग। तो नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे तो लगते रहते, ये छोटे मोटे है, इसको डरना क्या है मामा। उन्होंने मेरे को हिम्मत दिए, लेकिन मैं नहीं ये करी थी। बाद में सब घाव भी भर गए, थोड़ा सा बच्ची का इंटरेस्ट है ना, बल्कि मैं फिर भी अंदर डर रखते हुए पर भी बच्ची की खुशी के लिए एडजस्ट कर लिया। आप निजामाबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं, उसके बाद आप हैदराबाद शिफ्ट हो गई बॉक्सिंग को लेकर। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की आपने, कौन कौन से शुरुआती दौर में कोचेज रहे आपके? जी, मैंने पहले ट्रेनिंग निजामबाद में ही की है, शमसमुद्दीन कोच के अंडर, और उसके बाद मैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम साई में ज्वाइन किया था। आई वेंकटेश्वर राव जो चीफ कोच थे, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की है। फिर उसके बाद मैंने जब जेएसडब्ल्यू मुझे स्पॉन्सर किया, तो जेएसडब्ल्यू ने मुझे पर्सनल कोच दिया था, इमानी चिरंजीव सर नाम है उनका, वो एक्स सीनियर चीफ कोच रह चुके थे, उनके अंडर ट्रेनिंग किया मैंने। फिर मैं आईएएस में मैंने ट्रेनिंग की, जब मेरी इंजरी के बाद मैंने एक अमेरिकन कोच है रोनाल्ड सिम्स, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद अभी फिलहाल मैं नेशनल कैंप में भास्कर भट्ट सर के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ। निखत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीच में कोविड महामारी के कारण डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप जैसे खिलाड़ी मुक्केबाजी स्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सके, इन सब के बीच बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कितना साथ मिला आपको? जी हाँ, बहुत उनका सपोर्ट रहा है हमारी जर्नी में, सपोर्ट सारा उन्हीं का रहा है, बीएफआई का और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, क्योंकि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही हमें सारे कॉम्पिटिशन्स और जो भी हमारा ट्रेनिंग का खर्चा वही उठाती है, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगी कि हम बॉक्सर्स को इतना सपोर्ट करने के लिए, उनके सपोर्ट की वजह से ही हम वहाँ पे देश को रिप्रेजेंट करके देश के लिए मेडल जीत कर आने के लिए श्रेय उन्हीं को जाता है। बाकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा है और पेरेंट्स का भी रहा है, तो सभी का रहा है, कोचेस लोग का और स्टाफ का, सबका। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें एक दफा आपको प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी तो आपकी माँ ने कहा कि अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारे चेहरे पर तो चोट के निशान हैं। कैसे हैंडल करती इन तरह के सिचुएशंस को आप? स्टार्टिंग में तो मम्मी थोड़ा डर गई थी जब मुझे उस हालत में देखकर, बट फिर मैंने मम्मी को समझाया कि ऐसे बॉक्सिंग में होते रहता है, ये कॉमन है। और वो बात जब उन्होंने कही कि शादी वाली बात, तो मैंने कहा था कि मम्मी आप टेंशन मत लो, एक दिन आएगा जब नाम करूंगी इस दुनिया में, तब दूल्हों की लाइन लग जाएगी। तो तब से मैं मम्मी बहुत स्ट्रांग हो गई, मार लगने से मम्मी खुद बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, आइस लगा ले, ठीक हो जाएगा। क्या रिएक्शन था आपके माता पिता का जब आपने स्वर्ण पदक जीता, और उसके बाद जिस ढंग से देश भर से आपको प्यार मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट किया हो, खेल मंत्री ने आपको सम्मानित किया, कैसा फील हो रहा है? जी हाँ, जब से मैंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत लोगों का मैसेजेस और सारे लोग खुशी मना रहे मेरे गोल्ड मेडल को लेकर। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। और ऐसे ही आगे भी मैं बहुत मेहनत करूंगी, आगे भी ऐसे ही मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करके देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आऊंगी, और ऐसे ही अपने देशवासियों को मैं खुश करते रहूंगी।
जब से आप स्वर्ण पदक जीती हैं, देश भर में आपके दो सपने की बहुत चर्चा है, एक ट्विटर पर ट्रेंड होने की और दूसरा कोई और आपका सपना है, वो भी हमारे श्रोताओं से थोड़ा साझा करिए। मेरा अल्टीमेट गोल तो ओलंपिक में मेडल जीतना है, और मुझे पता है जो मेरा दूसरा सपना है सलमान खान से मिलना, वो बस ओलंपिक मेडल जीतने के बाद ही पूरा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस दिन मैं ओलंपिक मेडल जीतूंगी, इंडिया वापस आकर मैं सलमान खान से मिलूंगी। ट्विटर पर ट्रेंड होने का आपका सपना पूरा हो गया है, उस दिन रात को नींद आई थी आपको? जी बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं सबके ट्वीट्स पढ़ रही थी, सबके मैसेजेस जो मुझे व्हाट्सएप पे हर जगह सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ रहे थे, वो मैसेजेस पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला था। बट मुझे अच्छा लगा, एक तो एक्साइटेड भी थी कि मैं इंडिया वापस जाऊंगी और लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, तो ये सोच के ही नींद उड़ गई थी। एक वो भी दौर था निखत, जब आप एमसी मेरी कॉम की वेट कैटेगरी में थी और टोक्यो ओलंपिक के लिए आप तैयारी कर रही थी, उनके साथ आपको बाउट करनी पड़ी, उसके बाद टोक्यो का आपका सपना टूट गया, अब पेरिस सामने है, कैसे देखती हैं इसे? जो भी पास्ट में हुआ उस चीज से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अभी आने वाले पेरिस ओलंपिक के ऊपर मेरा फोकस है, तो मेरी पूरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं अपने देश के लिए वहाँ पे भी मेडल लेकर आऊँ और देश का नाम रोशन करूँ। अभी सामने जो सबसे प्राथमिक लक्ष्य है वो है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्या तैयारी कर रही हैं आप? जी उससे पहले हमारी कॉमनवेल्थ की ट्रायल है, और पहले मैं ट्रायल में सिलेक्शन लेने की कोशिश करूंगी, फिर ट्रायल के बाद मैं सिलेक्ट होती हूँ तो उसमें मैं कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश रहेगी मेरी। बहुत सारे श्रोता, इसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो आने वाले समय में बॉक्सिंग में उतरना चाहती हैं, बॉक्सिंग रिंग में पंच जड़ना चाहती हैं, वो आपसे ये जानना चाहती हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस करती हैं, कितने देर आप कोच के अंदर ट्रेनिंग लेती हैं, क्या कुछ होता है? मैं सुबह शाम ट्रेनिंग करती हूँ, सुबह 2 घंटे रात में 2 घंटे, और मतलब मेहनत तो रहती है बहुत, सब कुछ हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, और जो हमें पसंदीदा खाना होता है वो भी हम नहीं खा सकते जब कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करते, तो ये सब तभी होता है जब आपको भूख होती है उस चीज को पाने के लिए, ये सब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही करते आई हूँ मैं। आपने अपने करियर के दौरान संघर्षों की भी बात की, कोई एक ऐसे अवसर के बारे में बताइए जब आपको लगा हो कि आप बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी और वहां से वापसी की और फिर पदक जीता हो? 2017 के बाद इंजरी जो हुई थी उसके बाद मैंने बहुत लो फील हुआ था, बट मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा और मैंने स्ट्रांगली कमबैक किया और फिर वापस अपनी जगह इंडियन टीम में बनाई और अपने देश के लिए मेडल जीता। आपके आदर्श कौन है मुक्केबाजी के क्षेत्र में और फिर रियल लाइफ में? मेरे फर्स्ट इंस्पिरेशन तो मोहम्मद अली है, मैं उनको बचपन से उनके बारे में सुनती आई हूँ, उनकी बाउट देखते आई हूँ, तो वो मेरे इंस्पिरेशन है वो। और सेकंड है, एक तो मैं अपने पापा को बहुत मानती हूँ, क्योंकि उनका जो सपोर्ट मेरे प्रति रहा है वो बहुत खुशी की बात है कि मुझे ऐसे फादर मिले हैं जो हमेशा से मेरे साथ रहे, तो रियल लाइफ में तो मेरे लिए हीरो वही है। बाकी तो सलमान खान तो है ही, बट एक होता है ना कि अपने फादर इतना आपको सपोर्ट किया, तो उस हिसाब से मैं रियल हीरो तो मैं अपने पापा को ही मानती हूँ। देश की उन तमाम लड़कियों को क्या संदेश देंगी निखत, जो खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं और मुश्किलों से घबराकर वो नहीं बढ़ पाती? जी मेरा एक ही मैसेज है उन लोग को कि आपको अगर कुछ पाना है आपकी लाइफ में तो आप मेहनत करते रहिए और हार नहीं मानना है, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करने वालों को हमेशा फल मिलता है एक दिन। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन का सुनहरा सफर, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।